एक दिन ख्वाजा साहब का एक जंगल से गुजर हुआ जहां आपको एक गवाला अपनी बछिया चराते हुए मिला। ख्वाजा साहब ने उससे फरमाया, ऐ गवाले, क्या हमें दूध का एक कटोरा मिल जाएगा? चरवाहे ने जवाब दिया, छोटी बछिया है, दूध नहीं देती। ख्वाजा साहब ने फरमाया, तुम अपनी बछिया का दूध निकालो तो। ये दूध नहीं देती, छोटी बछिया है, दूध कहाँ से दूध निकाल के। छोटी बच्चिया है तो क्या हुआ, अरे मियां तुम कोशिश करके तो देखो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ख्वाजा साहब ने फरमाया, अरे मियां फिर वही बात, तुम कोशिश करके क्यों नहीं देखते, बच्चिया जरूर दूध देगी। क्या बोल रहे हो, ये दूध नहीं देगी। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मियां तुम बड़े जिद्दी हो, हम कहते हैं ना ये बच्चिया दूध जरूर देगी। ये बच्चिया और दूध नहीं, छोटी सी बच्चिया है, ये दूध नहीं देगी बाबा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ये बच्चिया दूध जरूर देगी, आप गलत कह रहे हैं। आखिरकार ख्वाजा साहब ने अपनी करामत दिखाई और फौरन एक मटका नमदार हुआ। गवाले ने हैरत से देखा कि बच्चिया के थनों से दूध जारी हो गया। गवाला हैरत से देखता रहा और बच्चिया के थनों से दूध निकलता रहा। पल भर में मटका भर गया और उसकी हैरत की इंतहा न रही। मटका हवा के दोष पर सवार हो गया। गवाला हैरत से देखता रहा। मटका आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा साहब की तरफ जाने लगा और गवाला हैरत से उसे देखता रहा कि आखिर ये कहाँ जा रहा है, और मटका ख्वाजा साहब के पास जाकर रुक गया। और फिर ख्वाजा साहब ने मटके से दूध का एक प्याला निकाला और नोश फरमाया। तो ये थी ख्वाजा साहब की एक और छोटी सी करामत।